तो भाई साहब आज हूँ मैं अपने प्यारे से शहर जलंधर में और लंच करने पहुंचा हूँ एक ऐसी बिजी किचन पे जो जलंधर में नंबर वन मानी जाती है। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं इस तरफ से, ये देखिए जनाब, तीन तीन तंदूर लगे हैं एक साथ और यहाँ पे कम से कम 10 कारीगर लगे हैं, फोरमैन लगे हैं जो चपातियाँ बना रहे हैं और लच्छा परांठास बना रहे हैं। और ये तीन तंदूर के अलावा अगर आप घर जैसा खाना खाना चाहते हैं तो उसके लिए भी अरेंजमेंट किया गया है। ये देखिए जी, यहाँ पे कुछ लेडीज बैठी हैं जो तवे के ऊपर चपातियाँ, घर जैसी चपातियाँ बना रहे हैं। ये देख सकते हैं दो दो चूल्हे चल रहे हैं एक साथ। और भाई साहब ये देखिए जी, ये है जी पतीला भर के पड़ा है जी अमूल बटर का। यहाँ से अंदाजा हो जाता है कि आप आ चुके हैं जी पंजाब के बहुत ही स्पेशल ढाबे पे, क्योंकि पंजाब में देसी घी की, मक्खन की, दूध की, दही की, पनीर की कमी नहीं रहती जनाब। ये सारा का सारा बटर लगने वाला है जी चपातियों के ऊपर, लच्छा परांठा के ऊपर। आइए अंदर चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको सारा का सारा सब्जियों का सेटअप कैसा होने वाला है, क्योंकि ये माना जाता है जलंधर का नंबर वन ढाबा। अगर भूख लग चुकी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को अगर नहीं किया तो। आइए चलते हैं अंदर, दिखाता हूँ आपको सारा सेटअप। भाई साहब किसी भी ढाबे की जान शान पहचान मानी जाती है जी दाल, तो 50 किलो दाल बनती है इस देग के अंदर और सारा दिन कटती रहती है जनाब। ये देखिए जनाब, और दाल किसकी फेवरेट रहती है कमेंट करिएगा, बताइएगा। और पंजाबी ढाबों पर आपको मिलने वाली है जी ये देग वाली दाल, चेक कीजिए जनाब, टेक्सचर चेक कीजिए, क्या शुद्ध देसी दाल है जनाब, जबरदस्त है यार, अमेजिंग। और ये देखिए जनाब, ये है जी यहाँ की बहुत ही स्पेशल, सुपर स्पेशल दाल तड़का। ये जो देग वाली दाल दिखाई थी ना मैंने अभी, वही बन के नीचे आ चुकी है और उसको तड़का लग चुका है जनाब। ये चेक कीजिए और क्या खिलके दाल निकली है यार, ये चेक कीजिए जनाब, जबरदस्त। और आगे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये रसीले राजमा और ये रोगन, चेक कीजिए जनाब, रोगन वाले राजमा, अमेजिंग है भाई साहब। जम्मू के राजमा याद आते हैं, लेकिन वो होते हैं जो रेड वाले राजमा होते हैं, ये होते हैं चितरे राजमा, जिसको वाइट राजमा बोले जाते हैं, एकदम से बढ़िया वाले जनाब। और आगे बढ़ते हैं तो आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये कड़ी, देखिए और कड़ी की स्पेशलिटी देखिए, यहाँ पर कितने सारे पकौड़े हैं पहले, और कड़ी की स्पेशलिटी है ये थिक कड़ी, एकदम से बढ़िया और थिक कड़ी है, लस्सी वाली कड़ी है, लस्सी से बनाई जाती है और अमेजिंग है भाई साहब। टेक्सचर चेक कीजिए कड़ी का जनाब। ऐसे ढाबे पे आपको आज लेके पहुँचे हैं जो वेज बंदे के लिए हेवन माना जाता है जलंधर में। और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी रोगन वाला बैंगन का भरथा मटर। ओए होए 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 भाई साहब, किसके मुँह में पानी नहीं आएगा, ये चेक कीजिए ज़रा। और थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी चना मसाला, कितना जूसी और मसाले वाला रहने वाला है, ये आप देखिए ज़रा, बहुत ही स्पेशल माना जाता है यहाँ का चना मसाला, शायद इनकी सिग्नेचर आइटम मानी जाती है। इससे आगे बढ़ते हैं तो आपको दिखाना चाहता हूँ जी शाही पनीर। भाई साहब शाही शाही नाम आ रहे हैं, जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, ये लीजिए जनाब शाही पनीर। और उससे आगे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको ये है जी आलू गोभी की सब्जी, तड़के वाले आलू गोभी की सब्जी, बढ़िया जनाब। भाई साहब ये गेस कीजिए जी किस चीज़ को तड़का लगने वाला है, शायद कुछ लोग घर पे नहीं खाते होंगे लेकिन ये आरके ढाबा जलंधर की सिग्नेचर आइटम मानी जाती है जी येलो दाल। ये देखिए जी, ये है जी येलो दाल और ये यहाँ की बहुत ही बढ़िया सिग्नेचर आइटम मानी जाती है, जबरदस्त है जी। और दूसरी तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ पे मिलने वाला है जी कड़ाही पनीर, चेक कीजिए जनाब, जबरदस्त वाला। और इस तरफ देखिए जनाब ब्लैक दाल, अगर कुछ लोग नहीं पसंद करते हैं तो उनके लिए येलो दाल का भी अरेंजमेंट किया गया है। एक स्पेशल बात यहाँ पे रहती है कि येलो दाल को मक्खन का तड़का लगा के मखनी बना के भी दिया जाता है, जिस तरह से आपको पसंद है आप वैसे खा सकते हैं जनाब। आगे चलते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जी मलाई कोफ्ता, ये चेक कीजिए और कितनी रिच ग्रेवी के साथ, काजू की ग्रेवी रहती है और ये कोफ्ता के पीस देखिए जनाब, मलाई भर भर के बनाए जाते हैं, अमेजिंग। और ये अगली जो मेरी फेवरेट रहती है हमेशा जलंधर में, जब भी लंच करने का मन होता है या डिनर करने का मन होता है तो मेरी सबसे फेवरेट रहती है जनाब पालक कोफ्ता, पालक पनीर आप बोल सकते हैं, पालक चना भी यहाँ पे मिलता है, इसी पालक को यूज़ करके चना भी दिया जाता है, पनीर भी दिया जाता है और पालक कोफ्ते भी दिए जाते हैं। ये रहता है जी मशरूम मसाला, बहुत ही बढ़िया जी। और जनाब आपके लिए चाइनीज़ का भी अरेंजमेंट किया गया है, अगर आप चीज़ चिल्ली खाना पसंद करते हैं तो वो भी यहाँ पर मिलेगा। एक ढाबे का चीज़ चिल्ली कैसा होता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ पर आके। और ये है जी ग्रेवी चीज़ टमाटो की, इसके अंदर चीज़ जो है वो अलग से डाला जाता है। और आगे हम बढ़ते हैं तो ये मेरी दूसरी फेवरेट आइटम है जनाब मिक्स वेज।
बहुत बड़ा सेटअप है यहाँ पे, आइटम्स गिनते जाएंगे, खत्म नहीं होने वाली। और ऐसे ही बातें करते करते जनाब इस साइड पे थोड़ी सी मैं नजर मरवाना चाहूंगा आप लोगों को। और भाई साहब मेरे देखते ही देखते यहाँ पे जो ऑर्डर है ना थालियों का, लगता जा रहा है एकदम से जनाब बागम बाग लगी हुई है यहाँ पे। और भाई साहब पंजाबियों का लंच और डिनर अधूरा रहता है खीर के बिना। सब कुछ खाने के बाद ना खीर जरूर मिलनी चाहिए जनाब। तो ये है जी फ्रिज में लगी हुई, क्वालिटी चेक कीजिए खीर की। और इधर पनीर पड़ा है जनाब, ये चेक कीजिए जी, क्वालिटी चेक कीजिए, एकदम बढ़िया। और ये लगने जा रही है जी हमारी थाली, ये आ चुका है जी कढ़ाई पनीर, लीजिए जनाब। उसके बाद आ चुका है जी ये मिक्स वेज, पूरा अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना के थाली दी जाती है यहाँ पे, बढ़िया वाली। और ये आ चुकी है जी उस्ताद जी दाल मखनी, इसके बिना तो जनाब लंच डिनर अधूरा रहता है। और ये क्रीमी फ्लेवर देने के लिए, क्रीमी टेक्सचर देने के लिए ऊपर से क्रीम आ चुकी है। और ये आ चुके हैं जी वेज पुलाव, तड़के वाले वेज पुलाव, लीजिए जनाब। और ये प्लेट हमारी सज चुकी है जी, पुलाव आ चुके हैं, दाल मखनी आ चुकी है, कढ़ाई पनीर आ चुका है, मिक्स वेज आ चुकी है, बूंदी रायता आ चुका है, सैलेड आ चुका है, और ये आ चुकी है जी बादाम वाली खीर, सब कुछ आ चुका है। और गर्मा गर्म यहाँ पे लेते हैं लच्छा परांठा और सीधा चलते हैं टेबल पे, टेस्ट करते हैं आरके ढाबा जलंधर का नंबर वन ढाबे का जायका कैसा होने वाला है। चलिए आइए चलते हैं टेबल। और ये आ चुकी है जी हमारी थाली, लीजिए जनाब फेवरेट टेबल सज चुका है जी, रंग भरी सब्जियों के साथ, लच्छा परांठा के साथ, जायका चखते हैं क्योंकि आंखों ने तो पसंद कर लिया है, देखते हैं जी पसंद करती है या नहीं करती है, आइए चखते हैं जायका। तो भाई साहब थाली सज चुकी है आपके भाई पेटू सिंह की, लंच की थाली सज चुकी है जनाब। और साथ में लिया है जी मैंने लच्छा परांठा, कितना खूबसूरत लच्छा परांठा है ये देखिए जनाब, अजवाइन लगा के दी गई है। और टाइम ना वेस्ट करते हुए ना बाइट लेते हैं जी। आपको तो पता ही है कि मेरी सबसे पहली बाइट जो होती है ना वो होती है जी दाल के साथ, क्योंकि मेरी तो बहुत ही पसंदीदा रहती है, अगर आपकी भी रहती है तो कमेंट करके बताइएगा। लीजिए जनाब हियर इज़ अ बाइट, क्या क्रीमी टेक्सचर है जनाब, वो मखमली एहसास कहते हैं ना एक, वैसा एहसास होता है जैसे जीभ पे टच करती है ना एकदम से मुंह में जाके खुल जाती है, लाजवाब शानदार मज़ेदार दाल। अगली बाइट लेते हैं भाई साहब कढ़ाई पनीर के साथ, लीजिए जी आरके ढाबे की बहुत ही फेमस ढाबा है जलंधर में, बाइट रेडी है जनाब कढ़ाई पनीर की बाइट, मज़ेदार। ग्रेवी चेक कीजिए ज़रा, पास आइए। ये जो लच्छेदार प्याज है, ये कैप्सिकम है जनाब, ऑसम है, एकदम बढ़िया जी। और अगली बाइट मैं लेने जा रहा हूँ जी मिक्स वेज के साथ, लीजिए। मतलब फ्राइड मिक्स वेज है जो इसमें चटपटे मसालों का स्वाद, हल्की सी सब्जी तीखी है लेकिन इतनी तीखी है कि जितनी आप खा पाएँ, ज़्यादा नहीं है, बच्चों से लेकर बड़ों तक खा सकते हैं, बहुत मज़ेदार लाजवाब स्वाद है। और जनाब साथ में दिया जाता है जी ये बूंदी रायता। और भाई साहब आपको तो पता ही है कि आपका भाई हमेशा कुछ मीठे के साथ एंड करता है, कहते हैं कि मीठे के साथ ही शुरुआत होनी चाहिए और मीठे के साथ ही एंड होना चाहिए, तो शुरुआत जो थी वो आपके प्यार के साथ हुई थी और एंड जो है हम खीर के साथ करेंगे। और अगर अभी तक आपने मीठा सा प्यार नहीं दिया तो दीजिएगा ज़रूर। तो लीजिए जी आज की लास्ट बाइट लेते हैं हम बादाम वाली खीर की बाइट, माइंड ब्लोइंग, मतलब सुनने पे सुहागा का काम इस खीर ने कर दिया। और आपका प्यार दे रहे हैं ज़रूर दीजिएगा, और अगर यहाँ आए हैं तो बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको यहाँ का क्या पसंद है, अगर नहीं आए तो कब आ रहे हो ये बताइएगा, और जल्दी आइएगा खा के बताइएगा कि आपको यहाँ का खाना कैसा लगा। प्यार देते रहिएगा, चलता जाएगा जायकों का सफ़र आप लोगों के प्यार के साथ, क्योंकि ये जायकों का सफ़र ना आपके प्यार के बिना बिल्कुल अधूरा है जनाब। प्यार देना मत भूलिया करिए, प्यार दे के जाइए। मिलेंगे कल अगली वीडियो में, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।